सर ये मैंने और मर्द और औरत की बात छेड़ी, जैसे मैं शुरू से सुबह से आपके साथ एक मुआशरती रवैया डिस्कस कर रही हूँ। मर्द और औरत तो एक, लेकिन हमारे मुआशरे में एक और जेंडर भी है और जिसके साथ रवैया हमारा जो है हमेशा बड़ा मखसूस एक अंदाज रहा है। हम उन्हें अपने दरमियान जगह देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मेरी अगली जो मेहमान है उन्होंने चैलेंज किया है हमारी इस मुआशरती रवैये को और उन्होंने साबित किया है कि जेंडर किसी भी प्रोफेशन के रास्ते में नहीं आनी चाहिए और आ भी नहीं सकती। सो हम यहाँ पे वेलकम करेंगे पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर मारविया मलिक। कैसी हैं मारविया आप? अस्सलाम। कैसा लगा आपको, जैसे मैं अभी कह रही थी कि मतलब आना इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में? बहुत एक्साइटमेंट हुई और ये तो डेली की रूटीन बन गई हुई है और बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक एंकर ने क्वेटा में सर्दी आते ही लकड़ियों की कीमत में इजाफा हो गया, उसने कह दिया सर्दी का इजाफा होते लड़कियों की कीमत में इजाफा। ये एक नुकता आपको मजरी से बहरा बना देता है। फिर क्या होता है आप लोगों के साथ? बस फिर जो होती है वो हमें ही पता है। हो जाए अगर तो मूड खराब है ऊपर वालों का तो फिर क्लास हो जाती है, अगर नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं। बड़े बड़े भांड इसके सबसे अच्छा यहाँ पे आपको नहीं लगता कि लड़कियों से गलतियां हो तो जरा आराम से ओवरलुक हो जाती है और लड़कों से लड़कियों की ज्यादा होती है? लफ्ज कितना अच्छा बोला। क्या अच्छा, अब मुझे अपनी छोटी छोटी स्टोरी, मुख्तसर स्टोरी पहले मारविया आपसे शुरू करेंगे कि किस क्या जर्नी रहा यहाँ तक पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर। वेल, अगर मेरी स्टोरी का कहा जाए तो वो तो पूरी दुनिया जानती है और आज आपको बता देती हूँ। बिल्कुल नॉर्मल सी लड़की थी घर में रहने वाली, तो आपको पता है जो हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर पर्सन्स के साथ किया जाता है, मेरे साथ भी घर में वही हुआ और मुझे डिसऑन कर दिया गया। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैंने इंटरमीडिएट तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे तालीम दी और वो तालीम जो है वो आपने गर्ल्स इंस्टीट्यूशन में ली, बॉयज में ली? गर्ल्स में ली जी, क्योंकि अगर आप ट्रांसजेंडर की हिस्ट्री में जाते हो तो बहुत सी कैटेगरीज आती हैं, इंटरसेक्स पर्सन, ट्रांसजेंडर मेल, ट्रांसजेंडर फीमेल। बेसिकली आई एम बाय बर्थ ट्रांसजेंडर फीमेल, सो मेरा आईडी कार्ड, मेरा पासपोर्ट, मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब फीमेल हैं। मारविया, ये पता कैसे चला था कि आई एम ट्रांसजेंडर? मैं बॉय, लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ? नहीं, कुछ और नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता है कि औरतों की तरफ ज्यादा okay, ये कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वो एक अलहदा चीज है, अगर आप फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वो एक अलहदा चीज है। तो मेरा बेसिकली ये था कि जब मैं पैदा हुई तो पूरे घर वालों को, हर किसी को पता था मेरा जेंडर क्लियर नहीं था। ठीक है, जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे मैं जेंडर क्लियर होता गया, तो फिर डॉक्टर के थ्रू, फिजिशियन के थ्रू हर चीज का पता चल गया मुझे ना, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई तो फिर बात क्लियर हो गई। ठीक है, 14-15 साल की एज तक तो फिर वो रवैये तो ऑलरेडी बहुत डिफरेंट थे सबके, तो वो जब क्लियर हो गया तो और ज्यादा चेंज होते गए। तो घर में बिहेवियर नहीं था अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ और फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है मेरी फैमिली। मेरे फादर 25 साल से लंदन में है, तो लेकिन बाकी सब बहन भाइयों के लिए, कजन्स के लिए वो सब चीज़ें अवेलेबल होती थी लेकिन मेरे लिए नहीं थी होती, तो वो काफ़ी उनका बिहेवियर ना चेंज था। तो मुझे बचपन से इस चीज़ का था कि नहीं यार, मैं, मेरे में कुछ है कि मैं करके दिखा सकती हूँ। तो वो एक घर वालों का प्रेशर था, एक मेरा अपना था कि नहीं मैंने कुछ करना है। तो बस मुझे नहीं पता कि जब मैं घर से निकली तो कैसे कैसे रास्ते बनते गए और मैं क्या, आगे बढ़ती हूँ। वो सफ़र क्या है जिसके बाद आप यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर अपीयर हुई? क्या क्या सफर तो बहुत मुश्किल था, मुश्किल है और मुश्किल रहेगा। अच्छा जी, अभी भी मैं आपने जिस टॉपिक पे बात कर दी है, मैं बहुत ज्यादा मेरी फीलिंग्स बहुत हार्श हो जाती हैं, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ आपको। अभी भी मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ ये टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, क्योंकि आप देखें, आप सबके साथ फैमिली की सपोर्ट है, विदाउट फैमिली I'm sorry, हाँ बहुत डिफिकल्ट होता है। तो
हम सब आपके साथ हैं और ये हमने इन चीजों को स्टीरियोटाइप किया हुआ है, बड़ा दुख होता है। ब्रिज किया गैप, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरा भी खुद भी बैकग्राउंड साइकोलॉजी में है, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट वी वेंट थ्रू। तो ये तो मुश्किल था, मुश्किल है और मुश्किल रहेगा, क्योंकि अभी तक मैं 22 इयर्स की हूँ तो मैंने अपनी लाइफ में डिफिकल्टीज ही देखी हैं। ये पिछला थोड़ा सा दौर था जो कि बहुत अच्छा गुजरा। अब मैं ज़ाहिर सी बात है मॉडलिंग भी कर रही हूँ, साथ साथ मॉडलिंग का करियर भी, तो वो जो एक सोसाइटी का प्रेशर होता है ना, वो बातें, वो सब चीज़ें, कुछ भी करो उन्होंने वीक पॉइंट लाजमी ढूंढना। हालांकि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का। अब पिछले दिनों मेरे बोल्ड शूट्स हुए और मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी थी, और आज मैं सबके सामने ये बात बताना चाहूँ, डिप्रेशन में आके मैंने अपने बाल काट लिए, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी मैं, एक ऐसे फेज में चली गई मैं कि मैं महीना डेढ़ महीना घर से बाहर नहीं निकली मैं। और ये भी किसी को भी नहीं पता, जो भी पूछता मैं ये कहती हूँ मैंने हेयर कट करवाया, पिक्सी कट करवाया शूट के लिए, लेकिन मैंने डिप्रेशन में आके अपने बाल काटे और उस फेज से बहुत मुश्किल से मैं निकली हूँ कि नहीं मैंने दुनिया को फेस करना है। और इस तरह फेस करना मेरे ख्याल से कोई आम इंसान की बात नहीं होती, ये बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। तो इंशाल्लाह आई डोंट सी एनीथिंग बैड अबाउट यू, और मुझे नहीं समझ आती कि आपको लगता है अपेरेंटली शायद कि बहुत सारे लोगों के साथ। अभी रिसेंटली मैंने काफी बोल्ड शूट करवाया। अच्छा, बोल्ड शूट करवाया मेरा, तो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मैं कुछ लोगों के कमेंट्स देख रही थी। अपनी मर्जी से करवाया आपने? हाँ जी, मैंने अपनी मर्जी से करवाया, और मैं कमेंट्स रीड कर रही थी, दूसरी कंदील बलोच, सेकंड कंदील बलोच, तो ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया। आप लोग कमेंट्स करते हुए या बातें करते हुए मिनट नहीं लगाते हो, लेकिन वो जर्नी, वो टाइम पीरियड जो अगले बंदे ने सब कुछ फेस किया होता है, उसका अंदाजा नहीं होता। मैं एक बात बताऊं, ये जो कमेंट्स दिए जाते हैं ना, मेरे ख्याल से ये आपके ऊपर इतने ज्यादा असरअंदाज नहीं करने चाहिए, क्योंकि हर तरह का ओपिनियन कहीं ना कहीं असरअंदाज होते हैं। जस्ट इग्नोर देम, ना पढ़े। आप पढ़ती हैं? मैं पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि आप डाउन हो जाते हो, लेकिन वही डाउन पीरियड होता है जो कि आप दोबारा सामने दुनिया के आते हो और एक नए अंदाज से आते हो। व्हाट वाज द जो डिप्रेशन जब आपको हुआ, आपने किसी से बात की, आप डॉक्टर के पास या आपने कंसल्ट किया, या आपने कुछ कोशिश की क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, कहीं पे भी नहीं गई। आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों को, फ्रेंड्स वगैरह थे, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया। आई एम ऑल्सो प्रेजिडेंट ऑफ केएसएस खाजसरा सोसाइटी, एनजीओ जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हेल्थ के ऊपर और बेसिक राइट्स के ऊपर काम कर रही है। तो मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने, मेरी फीमेल फ्रेंड्स ने काफी ज्यादा मेरी हेल्प की मुझे उस पीरियड में आउट करने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है, अब दोबारा गुजर कर रही हूं। सपोर्ट सिस्टम हमेशा होता है। सुबह मैं और माली इकट्ठे आ रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी में मुझे ये बताया कि मैंने हेयर कट नहीं कराया, और मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रेस इशू था मुझे। लेकिन आप देखिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मीडिया इंडस्ट्री, तो जब ये मीडिया इंडस्ट्री में आई तो हम सब ने बहुत सपोर्ट किया। इनके टीचर मेरे इदारे में ही होते हैं, और ही इज अ पर्सन जिन्होंने उन्हें न्यूज़कास्टर बनाया है। तो न्यूज़कास्टिंग करना, इट्स नॉट एज इजी एज पाए, हमें लगता है हम बैठे हुए हैं, प्रॉम्प्टर पढ़ रहे हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। वी हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। पीछे एक तबका काम कर रहा होता है, हर तरह का बंदा काम कर रहा होता है, न्यूज रूम में, रन डाउन में, ये कैमरा मैन, फील्ड में जाने वाले बंदे, तो वो जो आउटपुट लेकर आते हैं वो हमें देनी होती है। ठीक, तो ये काम सीखा जो इन्होंने, तो मेरे ख्याल से मीडिया इंडस्ट्री में आपको बहुत रिस्पेक्ट दी गई है, हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हम सबकी छोटी छोटी स्टोरी, छोटी छोटी कहानी कि कौन कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन एक ब्रेक पहले। हम बातें कर रहे हैं और मुझे बातें करने में बहुत मजा आता है, लेकिन मेरी टीम का कहना है कि भाई बातें नहीं, सिर्फ कुछ हम और एक्टिविटीज भी करें। तो अब हम आ रहे हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज की तरफ जिसमें मैं आपको दूंगी ये लिखा हुआ, और ये आपने सबने पढ़ना है, लेकिन देखते हैं कि कौन ज्यादा खूबसूरती के साथ इन लफ्जों को और इन चीजों को अदा करना है। इनाम क्या मिलेगा? प्यार, बहुत सा प्यार, ढेर सारी दुआएं, बहुत सारी बेस्ट विशेस चाहिए। मैं हार गया। मैं आपसे शुरू करने लगा। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ देर में ये पढ़ भी गया, समझ लगा कि है कि ये भाई यही खबर आई है। संग दिल से संग लिया, संग दिल के घर गए, संग दिल ने सींग मारा, सींग खा के मर गए। अच्छा, ये ऐसे पढ़ना है जैसे आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। इसका ये ट्रिक ये है, ठीक है? अब ये सोहा पढ़ेगी, सोहा नहीं, पहले आयशा। आयशा जल्दी से। संग दिल से संग लिया, संग दिल के घर गए, संग दिल ने सींग मारा,
सींग खा के मर गए। दोनों में से किसने ज्यादा अच्छा पढ़ा? अब आपकी अपनी आयशा, 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 किसने अच्छा पढ़ा? मिस आयशा ने। हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा जी मुनीत, यही आप पढ़ेंगे, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज, पैट्रन ब्रेकिंग न्यूज का इस पे तो आई एम फेलिंग एट दिस। संग दिल के संग दिया, संग दिल के घर गए, संग दिल ने सींग मारा, सींग खा के मर गए। शेर है वैसे, ब्रेकिंग न्यूज देने, ब्रेकिंग में तो मारविया बनता ही नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, हाँ हाँ, ब्रेकिंग न्यूज में बनता है लहजा, आप ब्रेकिंग न्यूज वाला नहीं करेंगे? नहीं, ये शेर है तो इसकी वो लिरिक्स में आना चाहिए। हाँ ठीक है, अहम तरीन खबर शामिल करें और आपको बताएं, संग दिल से संग लिया, संग दिल के घर गए, जबकि संग दिल ने संग सींग मारा, सींग खाकर मर गए। बेस्ट, वेरी गुड मारविया, क्या बात है। चले जी सुहा, मेरे हाथों। हाँ, अहम खबर आपको देंगे, संग दिल से संग लिया, संग दिल दिल के घर गए, संग दिल ने सींग मारा, सींग खाकर मर गए। अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है। जी जी जी, और यहाँ पे नाजिन आपको अहम खबर देंगे, संग दिल से संग लिया, संग दिल के घर गए, संग दिल ने सींग मारा, संग दिल खा के मर गए। इसी पर बात करेंगे, सींग खा के मर गए, इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे तनवीर मुनीर हमारे साथ मौजूद है। तनवीर बताइएगा, ये संग दिल ने पहले दिल दिया था या सींग पहले खाया?